हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स बताता है। मार्केट में कई तरीके के ब्रांड्स आते हैं जिसमें डॉक्टर मोरपेन, एक्यूचेक होता है। ये वाला भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, इसलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। नॉर्मली जो ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो दो तरीके से मेजर करे जाते हैं। एक तो फास्टिंग, जो सुबह उठते ही खाली पेट, दूसरा होता है कुछ खाने के 2 घंटे बाद। तो जो हमारा फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है उसके नॉर्मल जो रेंज होती है वो 100 से नीचे होती है, और जो पीपी होता है यानी कि कुछ खाने के 2 घंटे बाद, उसकी नॉर्मल रेंज होती है 140 से नीचे। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने पे इसमें एक ये बॉक्स निकला है, साथ में ये वारंटी कार्ड और ये एक मैनुअल। एक ऐसा मैनुअल होता है, एक वारंटी कार्ड होता है और ये इस तरीके का बॉक्स होता है। इसको हम रैपिंग से निकाल लेते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसमें सामान होता है। ये होते हैं लैंसलेट्स, अगर आप ध्यान से देखें। ये होती हैं इसकी स्ट्रिप्स, 25 स्ट्रिप्स इसके साथ फ्री में मिलती हैं। इसकी कॉस्टिंग है ₹525 पूरी किट की। ये होता है इसकी गन, जिसमें आप लैंसलेट को लोड करते हो और फिर अपने हाथ पे प्रिक करते हो जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। ये होता है हमारा ग्लूकोमीटर इंस्ट्रूमेंट एंड ये इसकी बैटरी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें बैटरी लगा के। बैटरी के लिए पीछे कवर दिया गया हुआ है, इसको खोलते हैं और इसमें हम बैटरी कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके इसको वापस से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हम बटन प्रेस करके देखेंगे, इसमें रीडिंग्स आनी शुरू हो गई है, डिस्प्ले ऑन हो गया है, दैट मीन्स ये चालू हो गया है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले लैंसलेट आप लेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका ऊपर जो हेड है सर्कुलर, इसको हम ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने से इसमें से निडल एक्सपोज हो जाता है। अब इस निडल को हमें इस गन में लोड करना पड़ता है। गन कुछ इस तरीके से खोली जाती है। खोलने के बाद हमने ये नीडल को इसके अंदर ऐसे प्लेस करा और हल्का सा प्रेशर देंगे ताकि वो उसमें फिट हो जाए। उसके बाद हम इसके कवर को वापस से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इस गन को लोड कैसे करते हैं, लोड करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को हमें पीछे पुल करना होगा और एक क्लिक का साउंड होगा। हो गया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रेड कलर का इंडिकेटर आ जाता है। इसको यूज करना मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले हम ग्लूकोमीटर को सेट कर लें। टेस्ट स्ट्रिप्स, हर टेस्ट के लिए हमें एक स्ट्रिप चाहिए होगी। हम स्ट्रिप्स को रीयूज नहीं कर सकते। कुछ इस तरीके से दिखती हैं ये स्ट्रिप्स। ये इसका चिप वाला एंड है, ये दूसरा एंड है कैपिलरी का जहां पे आपका ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है। तो ग्लूकोमीटर में यहाँ पे एक स्लॉट होता है, उसमें ये चिप वाला एंड ऊपर की तरफ फेस करके हम अंदर डालते हैं और एक स्नैप का साउंड होने के बाद कुछ इस तरीके से डिस्प्ले दिखाता है। आप देख सकते हैं ड्रॉपलेट ब्लिंक कर रही है। तो ये हमारा रेडी है। अब हमने इसको भी लोड कर लिया था गन को। अब हमारी जो फिंगर टिप है उसको हमें क्लीन कॉटन से स्पिरिट में डिप करके क्लीन करेंगे। स्पेसिफिकली अच्छे से करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम ये गन लेंगे। गन में जो ओपन वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, इस ओपन वाले पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, प्रेस करेंगे और ये जो हमारा लैंसलेट का रेड वाला बटन था इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे मैं इसे अपने फिंगर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ब्लड ऊज आउट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये स्ट्रिप का जो कैपिलरी एंड मैंने बताया था इसको आप इस ब्लड के कॉन्टैक्ट में लाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको ब्लड को थोड़ा और निकाल लेते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी। अब हमने इसको यहाँ पे वो करा, जैसे ही ब्लड इसके कॉन्टैक्ट में आता है यहाँ पे डिस्प्ले चालू हो जाता है 5, 4, 3, 2, 1 एंड उसके बाद 0 के बाद हमारी रीडिंग आ जाती है। 102 mg पर dl आया है, दैट मीन्स पीपी है ये नॉर्मल रेंज में है। सो इस तरीके से आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं। गाइस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग एंड कीप पोस्टेड। थैंक यू।